हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी, लेकिन हम इस ढंग से बनाएंगे कि बड़े तो बड़े बच्चे भी उंगलियां चाट कर खाएंगे। ये देखिए, जिसके लिए हमें चाहिएगा, यहाँ पर मैंने एक लौकी को यहाँ पर कट कर लिया है। इसके बाद में मैंने यहाँ एक प्याज को बारीक कट किया है, ये देखिए हरी मिर्च को कट किया है, और लहसुन की दो तीन कलियां यहाँ पर ली है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मसालों का यूज करेंगे। और यहाँ देखिए, एक कटोरी के अंदर मैंने मलाई ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ जो हमने लौकी ली है, इसको मैं प्रेशर कुकर में एक विसलाने से पहले ही बंद कर दूंगी। इसको हमें पूरी तरह नहीं पकाना है, थोड़ा सा बस हमें इसको पकाना। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ लौकी को यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, हम इसको ऐसे डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि लौकी वैसे ही पानी बाहर निकाल देती है सब्जी। ये देखिए, वरना सारी हमारी इसमें लौकी के अंदर पानी हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी यूज किया है। अब मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। हमारी सब्जी उबलती है, इतने हम यहाँ पर हमारा छोक रेडी कर देते हैं। ये देखिए, और ये बिल्कुल इजी है बनाना। ये देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर पहले ऑयल डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, और फिर इसको हम गर्म होने तक इसका वेट करते हैं। इसके बाद में हम इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे। इस तरीके से लौकी की सब्जी बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, अब हमारा ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। ये देखिए, इसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर हमारे जो हमने एक ऑनियन यहाँ पर कट किया था, वो इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पर ब्राउन होने तक पकाएंगे। मैंने यहाँ फ्लेम को लो ही रखा है। ये देखिए, इस तरह हम साथ के साथ इसको यहाँ पर हिलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ पर ये प्याज देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो हमने यहाँ लहसुन का पेस्ट लिया था, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। ये देखिए, इसको भी हम साथ में ऐसे ही हिलाते रहेंगे। ये देखिए, और इसके साथ में मैं यहाँ पर जो हमने हरी मिर्च को बारीक कट किया था, ये भी मैं इसके अंदर साथ ही ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम यहाँ पर लौकी की सब्जी को इतना टेस्टी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल अच्छी तरह ये पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेड चिली पाउडर, इसके बाद में थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, जितना आप सब्जी में डालते हैं उस अकॉर्डिंग अपना डालिए, और यहाँ पर धनिया पाउडर। देखिए, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नमक ऐड कर दूँ। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही इजी है इस रेसिपी को बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी यहाँ पर लौकी उबल चुकी है। ये देखिए, कितने अच्छे से ये उबली है, ना हमें इसे पूरा पकाना था। ये देखिए, अच्छे से उबल चुकी है हमारी। ये देखिए, अब ये हमारा मिक्सचर भी बिल्कुल अच्छी तरह पक चुका है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सी मलाई ऐड करूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ टमाटर का यूज नहीं किया है। ये देखिए, इसको हम इसके अंदर अच्छे से मिला लेंगे, इससे टेस्ट इतना अच्छा आएगा और ये सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, हम इसे अच्छे से यहाँ पर पकने देंगे एक बार। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर जो हमने लौकी यहाँ पर बॉयल की थी, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए,
रेडी होने के बाद में देखिए इसका टेक्सचर कलर कितना अच्छा आता है। ये देखिए हम इसको अब अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है, ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है जब हमने इसमें घर की फ्रेश मलाई यहाँ पर यूज की थी। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैं सूखी नहीं रखूंगी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड करूंगी यहाँ पर, ये देखिए। और अब हम इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड्स अब हमारी यहाँ पर सब्जी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी ये टेक्सचर वाइज कितनी टेस्टी लग रही है, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। जो लौकी खाना पसंद नहीं करते वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे, एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारी लौकी की सब्जी यहाँ बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए देखने में ये कितनी टेस्टी लग रही है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।